नमस्कार, जय जोहार। का हाल है, मैं आज मैं पहुंचा हूं कृषि महाविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय में, जहां पे दरअसल एक मुद्दा इन दिनों बहुत ज़ोर शोर से उठ रहा है, और वो है स्थानीय कुलपति की मांग को लेकर। यह मामला जो है अब छत्तीसगढ़ सरकार और राजभवन के बीच जा पहुंचा है, और दोनों के बीच एक तरह से टकराहट की स्थिति बन रही है। तो आज मैं पहुंचा हूं विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों के बीच, क्योंकि उन्होंने भी ये मांग अब ज़ोर शोर से उठा दी है। आखिर क्यों ये परिस्थितियां बन रही है कि कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की मांग उठ रही है। बातचीत की शुरुआत मैं गजेंद्र चंद्राकर जी से करता हूँ, जो कि शिक्षक संघ के जो है क्षेत्रीय इकाई के महासचिव हैं। गजेंद्र जी, आप लोग जो है लगातार राजभवन में राज्यपाल से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरह से अब टकराहट की स्थिति भी दिख रही है। मुलाकात तो हुई नहीं, घेराव भी करने पहुंचे, ये स्थितियां क्यों बन रही है कि स्थानीय कुलपति की का मुद्दा जो है बहुत गर्माते जा रहा है? ये कहा जा सकता है कि ये जो स्थिति जो निर्मित हो रही है, वो हमारे प्रदेश के लिए और हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी यह पहला अवसर है जब ऐसी घटनाएं घट रही है, कि जब यहाँ के शिक्षकों को और छात्रों को राजभवन जाना पड़ रहा है, और राजभवन जाने पर उनको समय नहीं मिलना। यह स्थिति एक प्रकार से बहुत दुर्भाग्यजनक भी कहा सकता है, दुखद भी कहा जा सकता है, और हमारे प्रदेश के लिए और विश्वविद्यालय के लिए बहुत अच्छा संदेश नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि स्थानीय कुलपति की मांग को लेकर यहाँ पर हम लोग आंदोलनरत है। स्थानीय कुलपति का विषय ऐसा है, जैसे कि आपको पता होगा कि एक मिनट रोक रहा हूँ, आंदोलनरत है मतलब आंदोलन की स्थिति है, यहाँ पे आंदोलन चल रहा है? जी, ये आंदोलन ही कहा जा सकता है कि लगातार हम लोग कल भी राजभवन गए थे, बड़ी संख्या में गए थे, 40-45 की संख्या में गए थे। कल भी हमको समय नहीं मिला, उसके पहले 10 तारीख को भी गए थे, आवेदन दिया गया है, उसकी पावती हमारे पास है। उसके बाद फिर आज हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट और किसान और वैज्ञानिक लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर फिर आज गए, फिर आज समय नहीं मिला, फिर वहाँ से हम लोग कृषि मंत्री जी के पास गए। तो एक आंदोलन का स्वरूप लेता जा रहा है, और धीरे धीरे आक्रोश जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो आप लोग जो है चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति हो, जो कि अभी तक नहीं, कोई नहीं हुआ है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में? देखिए, स्थानीय शब्द ऐसा शब्द है, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति जब स्थानीय शब्द बोलता है, तो उसको क्षेत्रीयतावाद का या संकीर्ण मानसिकता का या व्यापक सोच नहीं रखने वाला व्यक्ति, ऐसा करके उसको एक संज्ञा दे दी जाती है। जबकि स्थानीय का कृषि में जितना महत्व है, उतना शायद ही कोई और एजुकेशन में होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि देश में 74 विश्वविद्यालय, आप नेट में सर्च कर सकते, देश में 74 विश्वविद्यालयों में लगभग 70 विश्वविद्यालयों में स्थानीय कुलपति। स्थानीय का अर्थ यह है कि वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु, वहाँ का आबोहवा और किसानों की भाषा को जानता होगा। स्थानीय का अर्थ वहाँ के स्थानीय किसानों की भाषा को और भावनाओं को समझने वाला चाहिए, वो स्थानीय है। स्थानीय का अर्थ क्षेत्रीयतावाद का जो लगा देते हैं, उसमें छाप लगा देते हैं, वो वैसा नहीं है। वैसा नहीं है। सर, क्या हाल है अभी? हाल ठीक है कि नहीं है? तो मतलब बुरा है क्या अभी, जो कुलपति जो स्थानीय नहीं आ रहे? तो हाल तो बहुत बुरा है, पूरा विश्वविद्यालय का स्टाफ और पूरे यहाँ से मजदूर से लेकर पूरा छात्र और पूरे कर्मचारी और पूरा जो प्राध्यापक संघ है, पूरे आक्रोशित है कुलपति के चयन के विषय पर। क्यों सर, क्यों आक्रोशित है? आक्रोशित अभी छत्तीसगढ़ राज्य की जब स्थापना हुई थी, कि उसकी परिकल्पना ये थी कि यहाँ के स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाएगा, वो आज तक हमको दिख ही नहीं रहा था, कब तक हम छत्तीसगढ़ के लोग सहते रहेंगे, इसलिए जो है हम पूरे लामबंद हो गए पूरे। ये भी रहता है क्या कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी, मतलब एक तो हो गया कि चलिए शीर्ष पद पर तो उपेक्षित है, ये जो निचले स्तर पे जो लोग रहते हैं, शिक्षक है, छात्र हैं, उनकी जो है पीड़ा भी रहती है क्या? उन्हें कोई तकलीफ झेलना पड़ता है क्या स्थानीय नहीं होने से? बिल्कुल, कई सारे समस्याएं हायर अथॉरिटी को डर के मारे कई लोग जो है भय से जो है बोल नहीं पाते हैं, वो भय से अपना निकाल लेते हैं समय जो है। हम लोग खुद पीड़ित है ना इस मुद्दे पे, जो है हम अपनी बातों को जो है फ्रीडम हमको नहीं मिल पाता है उसके लिए। हम क्यों, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं, हमको अपनी नौकरी को भी बचाना है, तो इसके कारण जो है, और हमारे जो स्थानीय लोग रहेंगे तो अपनी बात को जो है फ्रीडमता के साथ में हम बात कर सकते हैं। सर आइए, आगे आइए सर, ठीक है? ठीक नहीं है? नहीं, स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि जो बाहर से कुलपति जो आते हैं,
उनको अपने कार्य करने के लिए कम से कम 2 से 3 साल समझने में लग जाता है। जब तक समझते हैं तब तक उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। स्थानीय कुलपति होंगे तो वो सारी स्थिति से पहले से ही अवगत होंगे और हमारा जो भी समस्या है, चाहे स्टूडेंट से रिलेटेड हो, चाहे स्टाफ से रिलेटेड हो, चाहे किसानों से रिलेटेड हो, वो जल्दी सॉल्व होंगे अगर स्थानीय कुलपति आते हैं तो, और हमारी यही मांग है। तो अभी तक जो कुलपति यहाँ पे रहे हैं, क्या उन्होंने विकास नहीं किया कृषि विश्वविद्यालय का या फिर इससे रिलेटेड कॉलेज है या फिर छत्तीसगढ़ का? नहीं, विकास हुआ है लेकिन जिस रूप में होना चाहिए, जिस तेजी से होना चाहिए, उस तेजी से नहीं हुआ है। और हमें उम्मीद है अगर स्थानीय कुलपति आएंगे तो विकास और बहुत तेजी से होगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि क्या परिवर्तन दिखाई देगा? बहुत हर दृष्टि से दिखाई देगा, चाहे रिसर्च के एस्पेक्ट पे होगा। अगर स्थानीय कुलपति होंगे तो वो हर चीज़ को समझते हैं, यहाँ की स्थिति को समझेंगे, चाहे बस्तर की स्थिति हो, चाहे सरगुजा की स्थिति हो, क्योंकि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कोई पूरे स्टेट को कवर करता है। और जो सामान्य रूप से जो दूसरे विश्वविद्यालय होते हैं वो पर्टिकुलर कोई लोकेलिटी को ये करते हैं, तो हमारा विश्वविद्यालय मतलब छत्तीसगढ़ का विश्वविद्यालय है। तो उस रूप से मेरा ये मानना है कि स्थानीय कुलपति आएंगे तो हमारी प्रॉब्लम जो है, जैसे कुछ प्रॉब्लम है, मैं कहना चाह रहा हूँ वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते, कि अभी तक कैरियर एडवांसमेंट स्कीम जो है वो हम स्टाफ के लिए लागू मतलब नहीं हो पाए, पिछले 2-2.5 साल से हम वेट कर रहे हैं। 7th पे का एरियर्स आज दिनांक तक नहीं है प्राप्त हुआ है, यानी विश्वविद्यालय में लागू नहीं हुआ है। और कई ऐसे समस्याएं हैं जो स्थानीय कुलपति हों तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, बाहर से आने वाले हैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकती है। इसलिए हमारी पुरजोर मांग है टीचर्स एसोसिएशन की कि वो कि किसी भी हालत में स्थानीय कुलपति हमको मिले, ताकि विश्वविद्यालय बहुत तेज़ी से अग्रसर हो सके, विकास की ओर अग्रसर हो सके। ऐसा मैंने बहुत कम देखा है सर कि जो शिक्षक वहीं पे हैं और उसी जगह पे हैं वहीं पे आंदोलन शुरू हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है, वो भी अपने ही कुलपति को लेकर। नहीं, अपने भाई बात होती है स्वाभिमान की, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की। छत्तीसगढ़ ने ये नारा भी दिया है, बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान। इधर स्वाभिमान नहीं है, यहाँ स्वाभिमान नहीं है। इतने साल विश्वविद्यालय बने हो गया, हम लोग तरस गए देखने के लिए कि हमारे बीच का कोई आदमी ये संस्था का मुखिया बने। अभी तक यहाँ जितने लोग आए उनकी जो प्राथमिकताएं अलग अलग थी, उन्होंने विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास कहते जरूर हैं, लेकिन सर्वांगीण विकास आज विश्वविद्यालय को जिस ऊंचाई पे होना था, यहाँ के प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन के आधार पर कह रहा हूँ मैं कि जितना रिसोर्सेस हमारे पास है उसके हिसाब से विश्वविद्यालय को जिस ऊंचाई पे होना था, आज हम लोग 15 नंबर 16 नंबर इस पे ट्रेल कर रहे हैं। हम अंडर टेन के लायक हैं। इतना बड़ा ये जो 3 भौगोलिक क्षेत्र है, इतना छत्तीसगढ़ राज्य जो 3 इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, वो अपने आप में हर एक क्षेत्र अपने आप में यूनिक है। उस सारे क्षेत्रों को हम लोग वहाँ की कृषि संबंधी समस्याएं हैं, जलवायु संबंधी समस्याएं हैं, उनको सबको एड्रेस कर रहे हैं। हम में से हर एक आदमी इन सभी क्षेत्रों में आते जाते हैं, काम करते हैं, उनको अलग अलग जगह में जा काम करने का मौका मिलता है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। और इस बार आर पार की लड़ाई है, हम लोग इस बार आर पार की लड़ाई में उतर गए हैं, और अब आगे चाहे जो भी हो आप लोगों का साथ अपेक्षित है, क्योंकि आपके माध्यम से ही हमारी आवाज़ ऊपर जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। तो आपका साथ हमारा, तो हम तो जहाँ पे भी मुद्दे हैं, जहाँ पे भी समस्या है, जो भी जनहित से जुड़ी हुई चीज़ें, हम तो उठाते रहेंगे सर, उसमें तो कोई कोताही नहीं बरतेंगे। मैं ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका असर अभी जो है, जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो आप लोग राजभवन तक जा रहे हैं, मंत्री तक जा रहे हैं, उसका असर विश्वविद्यालय पे किस तरह से पड़ रहा है? नहीं देखिए, 4 बार हो गया राजभवन जाते, हमको 4 बार हो गया। हम में से कोई भी इतना छोटा व्यक्ति नहीं है जिसको राजभवन में जाने से मना किया जाए। हम लोग वहाँ खड़े हैं 4 दिन से, हम देखते हैं कि हमारे सामने लोग आते हैं, तुरंत अपना एंट्री करते हैं, चले जाते हैं। हम भी मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हम किसी का गर्दन नहीं पकड़ रहे हैं, हम मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है गवर्नर महोदया को ये उनको लगता होगा कि मैं अपने हिसाब से यहाँ जो कर रही हूँ वो सही है, तो हम उनको बताना चाहते हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं। आप लोग को लगता है कि राजभवन की मनमानी चल रही है? चल रही है,
चल रही है, राजभवन की मनमानी चल रही है। हाँ। उसकी परिणति यही है, उन्होंने खुद चयन समिति बनाया, उस चयन समिति को फिर बाद में उस चयन समिति में हेर फेर किया, क्योंकि चयन समिति ने जिन व्यक्तियों का चयन किया था, जो अंतिम सूची जो सौंपा था गवर्नर महोदया को, उसमें उनके उनके फेवर का या जो चाहते थे वो उसमें था नहीं, इसलिए उन्होंने चयन समिति बदल दिया। अरविंद नेताम जैसे वरिष्ठ आदिवासी नेता जो स्वयं भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, कृषि राज्य मंत्री रहे हैं, उनकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अरविंद नेताम जैसे व्यक्ति के योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लगा देना, ये बहुत बड़ी बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। और इसमें पूरे समाज को, पूरे छत्तीसगढ़ के सभी समाज को इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये केवल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बात नहीं है। हम तो 35-36 साल से ये चीज झेल रहे हैं, 10 साल हमको, 5-10 साल नौकरी और करना है, झेल लेंगे, चले जाएंगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, इनके साथ भी यही होगा। तो स्वाभिमान के साथ जीने का, स्वाभिमान के साथ रहने का, नौकरी करने का सबको अधिकार है, और उसी स्वाभिमान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और ये हमारी लड़ाई तो जारी रहेगी। अरे जरा छात्रों से पूछते हैं भाई, आप लोगों का हाल क्या है, अगर नहीं है स्थानीय कुलपति तो क्या दिक्कत है? जी हाल तो जैसा कि आदरणीय सर लोगों ने अभी बताया है वैसे ही बेहाल है। जहाँ तक देखा जाता है कि बात स्थानीय कुलपति की, जैसे आदरणीय चंद्राकर सर हमारे वैज्ञानिक महोदय ने बताया कि जहाँ हम लोग क्षेत्रवाद की बात करते हैं तो लोग हमको संकीर्ण मानसिकता का बोलते हैं, पर वहीं यदि आप देखते हैं कि देश में कुल 74 कृषि विश्वविद्यालय है डीम्ड यूनिवर्सिटी मिला के, वो तो बताया है चंद्राकर साहब। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि छात्रों पे क्या असर पड़ रहा है उसका, छात्रों को क्या दिक्कत? छात्रों पे सीधा असर है। जैसे किसी माँ का बेटा है, कोई सगा बेटा है, तो उसके लिए माँ का दर्द अलग होता है, कोई सौतेला बेटा है तो है क्या सौतेला व्यवहार, दर्द अलग होता है, कहीं ना कहीं व्यवहार है सर। जी हाँ सर, आज सर जितने कुलपतियों की नियुक्ति हुई है वहाँ के लिए यदि कहा जाए तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय छात्रों के लिए एक सौतेला व्यवहार ही है, छात्रों के साथ अकादमिक क्राइम, रिसर्च के समय क्राइम, और कहा जाए तो एक प्रकार से एक षड्यंत्र रचा जाता है कि छत्तीसगढ़ के जो होनहार छात्र हैं उनको बैठा के दबा दिया जाए। और अभी की हाल की स्थिति में देखा जाए तो आप बोलेंगे कि हमारी कुलाधिपति और राजभवन एक संवैधानिक संकट में है, संवैधानिक संकट की स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है कि वो अब खुद कटघेरे में है कि वो छात्रों से नहीं मिलना और हमारे प्राध्यापकों से ना मिलना एक उनके द्वेषपूर्ण प्रभाव को दर्शाता है कि ये छात्रों से नहीं मिल रहे हैं। यदि एक स्थानीय कुलपति हमको मिलता है तो इस क्षेत्र के विकास को हम और प्रगति दे सकते हैं सर। यदि कहा जाए कि एक स्थानीय कुलपति, अभी क्या व्यवहार हुआ, जैसे पाटिल साहब जी रहे, अभी सिंगर जी हैं, इसके पहले और जो भी रहे होंगे, क्या मतलब छात्रों के साथ क्या व्यवहार होता है सर? जो क्या भर्ती, जैसे भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जूनियर साइंटिस्ट का, इसमें सीधा बाकी यूनिवर्सिटी में हम लोग जाते हैं सर, तो वहाँ सीधा आपको लोकल लैंग्वेज, आपका जो स्थानीय लैंग्वेज है, आपका डोमेसाइल है, उसका नंबर दिया जाता है। यहाँ पे नहीं के समान या चार नंबर SMS में रखा गया है, सीधा इसका मतलब है सर कि सामान्य वर्ग में देश के कहीं भी कोई भी आ सकते हैं, कोई भी अन्य सामान्य वर्ग पे, तो यदि यहाँ पे स्थानीय जो लोकल लैंग्वेज है उसका नंबर रखा जाए, जैसे 10 नंबर, तो SMS AP का भर्ती उसमें छत्तीसगढ़ के बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी सर। तो इस कारण से हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्थानीय कुलपति आए जो छत्तीसगढ़िया किसान के बेटे, और जो छत्तीसगढ़िया लोग हैं उनका दर्द समझ सके, और छत्तीसगढ़ियों के प्रति अपना जो व्यवहार है उसको द्वेषपूर्ण ना रखे और एक अच्छा व्यवहार रखे, इनकरेज करे, पढ़ाई में हो चाहे रिसर्च में, फुल सपोर्ट मिलना चाहिए छत्तीसगढ़िया लोग। अरे क्या मतलब सभी छात्र हैं या फिर कुछ छात्र हैं, अलग छात्रों में तो खेमा नहीं हो गया? नहीं ऐसा नहीं, नहीं। सभी छात्र जाते हैं आगे? सभी छात्र जाते हैं, सभी छत्तीसगढ़ यहाँ छात्र। हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का कृषि भूमि है, छत्तीसगढ़ के किसान है, छत्तीसगढ़ का विश्वविद्यालय है, तो छत्तीसगढ़ का कुलपति होना चाहिए। जैसे कि हम लोग अपने घर का सियानी किसी दूसरे को नहीं दे सकते, वैसे ही अपने विश्वविद्यालय का सियानी हम अपने लोकल छत्तीसगढ़िया को देना चाहते हैं, जैसे कि दूसरे जगह है। हाँ, महाराष्ट्र में देख लो, महाराष्ट्र के लोग कुलपति बनते हैं, यूपी में यूपी वाले, तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया क्यों नहीं बन सकता? छत्तीसगढ़ में अगर छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है तो छत्तीसगढ़िया कुलपति क्यों नहीं, ये सवाल
यही है सवाल। हाँ जी जी है? बिल्कुल यही सवाल है कि भाई अदर दाऊ जी की भी नहीं चल रही है राजभवन में। अब वो हम लोग राजनीतिक बातें तो नहीं कर सकते। दाऊ जी भी बड़े टेंशन में, दाऊ जी भी पूरा नहीं करा पा रहे हैं। पूरा छत्तीसगढ़ सरकार जो है और राजभवन में कुछ टकराव हमको नजर आ रहा है ऐसा। सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री माननीय रविन्द्र चौबे जी हमारे विश्वविद्यालय तो समर्थन कर रहे हैं खुल के मंत्री। पूरा सरकार का समर्थन हमारे विश्वविद्यालय को है तो सरकार का समर्थन है। तो सरकार की यहाँ पर अनदेखी हो रही है तो हम लोग जो है कहाँ जाएंगे। हम जो है हम तो कर्मचारी यहाँ के हैं ना, हम तो जनसेवा में लगे हैं। जब बड़े बड़े लोगों में आपस में हम तो पीछे जाएंगे ना। गेहूं के किर में क्या बोलते हैं, कहावत है ना, है ना, गेहूं के साथ गांव के संग जने घून घलो पिसा जाते हैं। पिसा तो हम लोगों को घून टाइप के पिसा जा रहे हैं ना। गेहूं कौन है? तो गेहूं तो सरकार है, सरकार है। गेहूं जो है वो पिसा जा रहे, वो हम घून है छोटे छोटे जो है तो पिसा जाते। तो हम नहीं चाहते जो है ना, हम आगे के लिए, भविष्य के लिए रास्ता हम जब तक तैयार नहीं होगा हम आगे ये संघर्ष करते रहेंगे। बिल्कुल हम जो है छोड़ेंगे नहीं इस मिशन को जो है। अच्छा ये भी एक, हाँ बताए क्या बोल रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं एक तरफा कहीं डिसीजन आते हैं, चाहे राजभवन के तरफ से हो चाहे शासन के तरफ से हो, और किसी एक के पसंद से कुलपति बनेंगे तो परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो सकती है, जैसे हम लोग सुनने में आता है कि कई विश्वविद्यालय जहां शासन के हिसाब से नहीं बना कुलपति आज वो परेशानी में है, तो उसमें हम लोगों की क्या मतलब हम लोग परेशानी मतलब भविष्य में ना हो, इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं किसी भी तरीके से कि भाई शासन मतलब छत्तीसगढ़ शासन और कुलाधिपति महोदया जैसा भी चाहें ऐसे योग्य व्यक्ति को छत्तीसगढ़ को कुलपति बनाएं जिसे विश्वविद्यालय बहुत अच्छा चले और स्टेट के लिए भी फायदेमंद हो। अच्छा एक चीज़ और मैं उद्घृत करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ जो इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जहां आज दिनांक तक एक भी एससी और एसटी में प्रोफेसर तक एक भी नहीं, पूरी हिस्ट्री में आज तक इतिहास में, कहाँ पे, यहाँ पे इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर एसटी, हाँ एससी और एसटी में से एक भी प्रोफेसर रैंक तक नहीं पहुंचे हैं पूरी हिस्ट्री में। क्यों? अब ये तो जवाब वही लोग दे सकते हैं जो बैठे हैं कुर्सी पे, हायर अथॉरिटी ही जवाब दे सकती है इसका। तो यही हमारी मांग है कि अगर लोकल कुलपति बनते हैं तो ये तो उसी का प्रदेश है छत्तीसगढ़। लेकिन आज दिनांक तक की स्थिति यही है, आप पता कर लीजिए, एक भी आदमी प्रोफेसर रैंक में नहीं है, चाहे प्रिंसिपल साइंटिस्ट कहिए या प्रोफेसर कहिए या डीन डायरेक्टर, तो सवाल ही नहीं। योग्यता की कमी है? योग्यता की कोई कमी नहीं है, सब योग्यता सबकी बराबर है, वही सब नेट निकाले हैं, सब पीएचडी होल्डर हैं, सबकी सारी चीजें हैं। ये निर्भर पहुँचने के लिए मर्जी किसकी चलती है? दस साल से कोई ऐसे ये कोई चीज़ हुआ नहीं, और पिछले 2-2.5 साल से आपका सीएस रुका हुआ है। तो जब सीएस होगा नहीं, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम बोलते हैं जिसे सीएस, उसमें कोई हुआ नहीं, तो हम लोग 18 साल के बाद भी आज एसोसिएट हैं, 18 साल नौकरी के बाद भी अगर ये सीएस हो जाता तो हम लोग 16 या 17 साल में जो भी समय है, जो वांछित पीरियड है, उसमें प्रोफेसर बन जाते। लेकिन आज दिनांक तक ये भी नहीं हो पाया है, ये भी नहीं हो पाया है। चलिए कुछ और छात्र आ गए हैं, जरा उनसे पूछते हैं। अरे भाई कहाँ भाग रहे हो तुम लोग जो है, कौन सी ईयर की पढ़ाई कर रहे हो तुम? मैं एमएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का। क्या करना है इसके बाद? इसके बाद पीएचडी करना है। फिर क्या करना है? पीएचडी के बाद नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, अगर नौकरी मिल जाए तो यहाँ पे। नौकरी नहीं मिली तो? नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? अगर कुलपति अच्छा हो यहाँ का, अगर स्थानीय रहे जो छत्तीसगढ़ का हो, छत्तीसगढ़ियों को अच्छे समझे, है ना, तब नौकरी के चांसेस है, मिल सकते हैं हम लोगों को। और नहीं तो फिर बाहरी कुलपति अगर बनता है फिर बाहरी लोगों को भर्ती करेंगे यहाँ पे। ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है भाई, ऐसा हो भी रहा है सर। ऐसा इसमें ये है कि अभी जो हॉर्टिकल्चर के कुलपति बने हैं, प्रथम कुलपति तो अभी कलंकित कुलपति बोला जाए। क्यों कलंकित है? देखिए किसी कुलपति के लिए तो कलंकित शब्द ठीक नहीं होगा, ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है सर? उनके भ्रष्टाचार के बहुत सारे प्रकरण हैं, समाचार के पत्रों, उनके जो केस फाइल हैं, सब ऐसे आ रहे हैं कि
उनके खिलाफ बहुत सारे प्रकरण दर्ज हैं कि उन्होंने धांधली की और आई वॉशर कहा गया उनको, मतलब आंख में आरोप तो पाटिल के ऊपर भी लगे थे। जी हाँ सर, उनके ऊपर भी लगे हैं, उनकी भी प्रक्रिया, उनके भी न्यायालय में केस चल रहे हैं, सब चीज हो रहे हैं। लेकिन आई वॉशर होना और उनको प्रथम कुलपति का दर्जा देना, वो भी यूपी से आयातित, तो गलत है सर। वो तो हमारे स्थानीय एक ईमानदार कुलपति हो जाते या एक हमारे स्थानीय व्यक्ति होते छत्तीसगढ़ के, तो बहुत बेहतर होता है प्रथम कुलपति का दर्जा लेने के लिए उद्यान की विश्वविद्यालय में। बताइए साहब, आप क्या करते हैं इधर? सर मैं PhD वेजिटेबल साइंस के स्टूडेंट हूँ। अच्छा, PhD कर रहे हैं भाई। जी सर। तो बताइए, एक बात ये मानी जाती है, कही जाती है कि छत्तीसगढ़ के लोग में यार जो है योग्यता की बड़ी कमी है, इसलिए हमको बाहर से बुलाना पड़ता है, यहाँ के लोग जो है ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं है, सुधारते भी नहीं होते अच्छे। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है क्या? अगर हम डेटा पे जाएंगे तो पिछले बार ही जो VC सर है वही बोले कि जो नेट होल्डर है इस बार लगभग 45 स्टूडेंट है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जितने भी हैं अधिकतर लोग सबका नेट निकल चुका है सर। हाँ सर, तो योग्यता की कमी कहीं दिखती नहीं है सर। नहीं है। हाँ, नेट निकाल रहे, मतलब इंडिया लेवल पे फाइट कर रहे हैं ना सर। हाँ जी। बाहर से आए प्रोफेसर लोग जैसे रिसर्च होता है, 3 साल का PhD, उनका PhD का थीसिस चेक नहीं करते, लेट करते हैं ताकि यहाँ के बच्चों का सिलेक्शन मत हो, तो ये गलत बात है। स्थानीय कुलपति अपने रहेंगे तो छत्तीसगढ़ियों को सपोर्ट मिलेगा, समय से डिग्री होगा, सबका नेट क्वालिफाई है। इस साल तो 272 लोग नेट निकाले हमारे सहपाठी लोग। तो यदि योग्यता की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में योग्यता का किसी भी प्रकार का कमी नहीं है। यहाँ है तो ग्रुपवाद का, जो परदेशियावाद है, परदेशियावाद के तहत छत्तीसगढ़ियों को दबाया जा रहा है, इनको आगे आने से रोका जा रहा है। भर्ती निकली हुई है 2 साल से, भर्ती में इतने स्टे लगे हुए हैं कि 2 साल से भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है। कई प्रकार के पोस्ट आते हैं, पूर्ण नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि विवाद की स्थिति हुई है, विवाद की स्थिति बनी। क्यों? क्योंकि हमारे मुखिया जो हैं विवाद की स्थिति क्रिएट की है, तो विवाद की स्थिति बनी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी आप लोग आगे अब कोई बड़ा आंदोलन की रणनीति भी बना रहे हैं? देखिए कि आंदोलन बड़ा होगा और लंबा चलेगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम जिस जगह पे खड़े हैं, 1800 एकड़ जमीन दान करने वाले दाऊ कल्याण सिंह की जमीन पर हम लोग खड़े हुए हैं, जिसमें इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। क्या ये दाऊ कल्याण सिंह जी जिस भावना से, जिस अपेक्षा से उन्होंने यह जमीन दान की थी, क्या ये विश्वविद्यालय उस पर खरे उतर पाया है? ये हम सब के लिए चिंता का विषय है कि जिस उद्देश्य से ये जमीन को दान की गई है कि छत्तीसगढ़ के किसानों का सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए यह विश्वविद्यालय काम करे। इसके लिए चाहे मुखिया कैसा भी हो, योग्य मुखिया हो, जो यहाँ की दर्द भावनाओं को समझता हो, यहाँ की भाषा संस्कृति को समझता हो, इसलिए भी यह आंदोलन महत्वपूर्ण है। तय कर लिया है कि जो है आप सड़क पर उतरेंगे? जी तय है। हम कल से, हमारा आंदोलन का अलग अलग स्वरूप रहेगा, उसको लेकर कल से हम लोग आंदोलित हैं। हमारा कल सरकार तो खुल के आपके साथ है, मंत्री रविंद्र चौबे कह रहे हैं हमारा तो पूरा समर्थन है, हम भी चाहते हैं। देखिए, सरकार का समर्थन किसी आंदोलन को लेकर यह विषय दूसरा हो सकता है। हमारा विषय है, केवल एक मांग है कि स्थानीय कुलपति चाहिए। इसके लिए राज्य शासन हमको सपोर्ट कर रही है, तो वो स्वागत योग्य है। तो कृषि विश्वविद्यालय में एक तरीके से जंग छिड़ चुकी है और मुद्दा तो वही है, स्थानीय कुलपति। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि सिर्फ कृषि विश्वविद्यालय का ये मसला है या छत्तीसगढ़ के और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे इस तरह की स्थितियाँ बन रही है। फिलहाल शुरुआत तो कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने कर दी है और सरकार भी खुलकर इसमें आगे आ गई है, तो टकराव की स्थिति एक तरीके से एक बार फिर से राज्य शासन और राजभवन के बीच दिखाई दे रही है। इस मसले का हल कैसे निकलेगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन हाल काहे में फिलहाल कृषि विश्वविद्यालय के भीतर छात्र जो स्थानीय छात्र हैं और शिक्षक हैं उनका तो नहीं है। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।